खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज सारथी सेवा संस्थान के सचिव वीरेंद्र सिंह ऋषु ने अपने साथियों के साथ मिलकर कमिश्नर आजमगढ़ मंडल को एक ज्ञापन सौंपा है। वीरेंद्र सिंह ऋषु ने आरोप लगाया है कि प्री एजुकेशन किट में बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि बिना सामानों के आपूर्ति के ही पहले ही भुगतान करा दिया गया है। मजेदार बात तो यह है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भुगतान का आदेश 29 मार्च को ही दिया गया, जो होली का दिन था, और सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान उस दिन बंद थे। लेकिन फिर भी जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य दावा कर रहे हैं कि होली के दिन भी उनका कार्यालय खुला था और उनका होली के दिन भी भुगतान देने का आदेश बिल्कुल सही था। खैर, सारथी सेवा संस्थान के संयोजक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल खेला गया है, जिसमें प्री एजुकेशन किट में दिए गए सभी सामान बेहद घटिया क्वालिटी के हैं। मासूम बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सारथी सेवा संस्थान के संयोजक ने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री एजुकेशन किट को छोटे छोटे बच्चों में वितरित करना था। इसमें प्ले ग्रुप के जैसा बच्चों को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और सीखने के लिए सामान था। शासन स्तर से इसका दाम 2252 रुपए तय किया गया था, जबकि इसका टेंडर 2208 रुपए में था, लेकिन सामानों की आपूर्ति अभी नहीं हो पाई है। लेकिन उसका भुगतान 1,14,72,767 रुपए जरूर कर दिए गए हैं। आज तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें आपूर्ति से पहले ही भुगतान हो गया हो। वीरेंद्र सिंह ऋषु ने आरोप लगाते हुए कहा कि सामान बेहद घटिया क्वालिटी का है। सभी सामानों को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचना था, लेकिन ठेकेदार इसे ब्लॉक तक ही पहुंचा रहा है। ये मामला है जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ का, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट वितरण करना था छोटे छोटे बच्चों में। वो किट में उनके प्ले ग्रुप स्कूल की तरीके से खेलने का और पढ़ने का सामान था, बक्सा था, उसके अंदर सारा सामान आना था और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाना था, जिसकी कीमत सरकार ने तय की थी 2252 रुपये। 2208 रुपये में उसका टेंडर हुआ जेम पोर्टल के माध्यम से, और सामान की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है, और उसका भुगतान 29 मार्च होली के दिन कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि सामान की आपूर्ति नहीं हुई और भुगतान तुरंत कर दिया गया था, और जो अब आपूर्ति की जा रही है, ये आपूर्ति, ये सामान ले जा करके जो ठेकेदार है वो ब्लॉकों पर फेंक दे रहा है, जिसको कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाना था, और वहीं दूसरी तरफ जो सामान है वो निहायत ही घटिया किस्म के हैं, और अगर उसकी जांच की जाए, उसके रेट का आकलन किया जाए, तो वो अधिक से अधिक 500-700 रुपये के टोटल सामान है, और जो सामान उनकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही ख़राब है। तो उसी मामले की जानकारी हम लोगों को मिली, और हम लोग आज, जैसे हर तरीके का भ्रष्टाचार, हम लोग आजमगढ़ में भ्रष्टाचार कहीं दिखता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, आज उसी के क्रम में हम लोग कमिश्नर महोदय को पत्र दे करके और एक जांच कमेटी बना करके, जांच टीम गठित करके, और जो ये टेंडर से लेकर के और अब तक की जो भी प्रक्रिया हुई है ये सप्लाई के लिए, उसकी पूरी जाँच हो। अगर कोई दोषी है, फर्म दोषी है, अधिकारी दोषी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है जी। जैसा कि हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि किसी के दबाव में ये टेंडर भी हुआ था और उसी के दबाव में ये जो है उनका भुगतान कर दिया गया, सप्लाई से पहले भुगतान कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, और जांच होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि ये छोटी धनराशि नहीं है, ये लगभग 1,14,72,768 रुपये का मामला है, ये छोटी धनराशि नहीं है, और ये मासूम बच्चों का हक मारा जा रहा है। अब तक भ्रष्टाचार अन्य योजनाओं में होता था, लेकिन अब जो ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, ये मासूम बच्चों का हक मारा जा रहा है, जिसके लिए हम युवा शांत नहीं है। अंजलि सप्लायर पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। इस फर्म को अधिकारियों की चहेती फर्म भी बताया गया है। साथ ही सारथी सेवा संस्थान ने इस मामले में बड़े बड़े नेताओं के संलिप्त होने का भी दावा किया है। जिले से लेकर शासन तक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की मांग की गई है। कमिश्नर से मिलकर सारथी सेवा संस्थान ने कहा कि मासूम बच्चों के साथ ये धोखा हो रहा है और ऐसा हरगिज भी नहीं होने दिया जाएगा। ऋषु सिंह ने बाकायदा इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि प्रशासन जनता के विश्वास पर कालिख पोतने पर लगी है।
वहीं कमिश्नर ने भी इस मामले में जांच करवाने की बात कही है। ये किसी फर्म को दिया गया है, पूरा डिटेल इसमें हम लिखे हुए हैं। उस फर्म को कई टेंडर दिए गए अब तक और ये कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की चहेती फर्म है, इसलिए इस फर्म को इन लोगों ने टेंडर दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मेसर्स सप्लायर अंजलि सप्लायर कोई कंपनी है जिसको ये टेंडर दिया गया है, तो पहले जांच हो कि टेंडर में जो टेंडर हुआ था उसमें क्या कहते किन किन फर्मों ने आवेदन किया था, उनका आवेदन किस कारणों से रिजेक्ट हुआ था, इनको किन कारणों से मिला था, सारी चीज़ें जनता के बीच में आनी चाहिए। और जो रेट था सबका और इनका और अन्य फर्मों का, वो रेट भी देखा जाए और जो इनके सामान की गुणवत्ता है उसकी बखूबी कमेटी बना करके जांच की जाए, तो वास्तव में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और देखिए, ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो गया आज हमको साक्ष्य मिल गए हैं तो इसका मतलब कि ऐसे खेल बहुत सारे हुए होंगे, इसीलिए उनकी आदत बनी रही होगी, इसीलिए इस तरीके का उनको लगा होगा, विभागों को लगता होगा कि किसी को जानकारी नहीं हो पाएगी, कौन इतना ध्यान देता है। सच है, कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन आज जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि मार्च में भुगतान होता है और जून में सप्लाई होना शुरू होता है, और वो भी सप्लाई पूरी तरीके से आधी अधूरी होती है। किसी चौक के डिब्बे में 2 चौक की स्टिक रहती है, किसी में 3 रहती है, जो स्लेट होता है लिखने वाला बच्चों का उसके ऊपर बॉर्डर तक नहीं होता, दफ्ती पे काला कालिक पोत करके रख दी जाती है। तो ये कालिक कहीं ना कहीं प्रशासन जनता के विश्वास पे पोत रहा है, तो इसकी जांच हो, कमेटी बनाई जाए। तब जब तक कमेटी नहीं बनेगी, जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। वहीं जब इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी से फोन पर बातचीत की गई और फोन से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बड़े ही मासूमियत से कहा कि अगर सामानों की गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो उसे वापस करवा कर रुपयों की रिकवरी कराई जाएगी। लेकिन जनाब शायद ये बताना भूल गए कि सामानों की आपूर्ति से पहले क्या सामानों की जांच कराना या करवाना जिले इलाही ने जरूरी नहीं समझा। इनसे बातचीत के कुछ अंश आप भी सुनिए और देखिए कि जनाब क्या कह रहे हैं। हेलो, जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात हो रही है, आजमगढ़। वसीम अकरम बात कर रहा हूँ, सीआईबी इंडिया न्यूज से। जी, एक भ्रष्टाचार का एक मामला उजागर हुआ है। अच्छा। हाँ, ये जो बच्चों को बक्से में सब दिया गया है सामान, प्लेट वगैरह, चॉपस्टिक वगैरह, ये सब निहायत घटिया किस्म का है, क्वांटिटी भी कम है, कालिक फालिक पोस करके दे दिया गया है। और आरोप ये भी है कि आरोप क्या, उसमें हमारे पास कागज आया है कि आपने उसमें 29 मार्च होली के दिन भुगतान किया है, आदेश दिया है। तो ऐसे क्या मजबूरी है कि गैस्ट्रिक छुट्टी के दिन में भुगतान होने की प्रक्रिया अपनाई गई? नहीं, सभी ऑफिस खुली रहते, ट्रेनिंग भी खुली रहती है, ऑफिस भी खुला रहता है। तो मार्च में होली के दिन ऑफिस खुला था? हाँ, मार्च में ऑफिस खुला था उस दिन। हाँ, ऑफिस खुला था। और ये जो सामान निहायत ही घटिया किस्म के हैं, इस पर क्या कहना है? तो आप ही की देख रेख में हुआ है ना? नहीं, ऐसा है कि ये तो कमेटी है, पूरी जिला स्तरीय कमेटी है। हाँ, जिला स्तरीय कमेटी ने निर्णय लिया और फिर उसका भुगतान किया। और इसमें जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च के लास्ट में आ नहीं सकता, उनका सामान यहाँ पर आ गया था गोडाउन में, गोडाउन में उसकी जाँच की गई, इसके बाद उनका भुगतान किया गया। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं श्रीमान जी की सामान की आपूर्ति होने से पहले ही भुगतान किया गया है। हाँ, वो तो किया गया है ना, नहीं मार्च में लैप्स हो जाता ना, तो इसलिए किया गया है। अच्छा। और उनका उनका जो धनराशि रखी हुई थी यहाँ पर, उसको हमने रखा है, इसलिए रख लेते उसकी एवज में कि अगर कोई गलत होगा तो उसकी रिकवरी किया जाएगा। तो ये जो सामानों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, बेहद घटिया है, इस पर क्या कहना आपका? इसमें तो हम लोगों ने नोटिस उनको जारी किया है, जो सामान है वो अगर जो घटिया है उसको चेंज करेंगे, वो उसके वजह दूसरा सामान देंगे, नहीं तो उनका रिकवरी किया जाएगा उससे।
अब इस मामले में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह के मामले निश्चित तौर पर उस सरकार के लिए सोचने का विषय है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है और उसी के राज में ऐसा खेल खेला जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।